हेलो स्टूडेंट्स यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में होने वाले बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सालों के एग्जाम exam, एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और इस बार भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं श्रीदेव सुमन को छोड़कर और यहाँ पर आपका सिलेबस हो जाता है मैच तो आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल पर कर रहे हैं पहली बार विजिट तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक like. क्योंकि हम आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाते रहते हैं तो चलिए यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल ले कर के तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है इम्पॉर्टेंट दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाइबिलिटी और इनर्ट इनर्टनेस को कंपेयर करने के लिए ऑक्ट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है इम्पॉर्टेंट तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नोट लिखने के लिए फोस्पेजींस पर बात करें चौथे क्वेश्चन की चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस करने के लिए ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स को कार्बन मेटल बॉन्ड के नेचर के बेसिस पर तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैग्नेटिक uh, ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए दूसरे क्वेश्चन में आपने यहाँ पर जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को निकिल टेट्रा कार्बोनिल एक टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक कंपाउंड है तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए जी आई टू स्टेबल होता है और ए जी एफ टू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में इस स्टेटमेंट का यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बायोलॉजिकल प्रोसेस में एन ए प्लस और K के प्लस आयंस के रोल को डिस्कस करने के लिए पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हेग्जा कोबाल्ट का यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने के लिए पांचवें क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड टॉपिक से जिसमें आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है किन्हीं दो इनफैक्ट यहाँ पर दिए गए दो कंपाउंड्स की सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले वेरियस फैक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आठवें क्वेश्चन में, में आपसे पूछा गया है बी एफ थ्री माइनस यहाँ पर एफ़ माइनस के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बी एफ फोर को फॉर्म करता है जो कि एक स्टेबल आयन होता है तो आपने इस पर रीज़न इस पर आपको रीज़न पूछा गया है आप एम सी क्यूज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं रक्षित कर सकते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब करने के लिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ गोइस मेथड जो कि यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र करने के लिए दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको पूछा गया है डिस्कस करने के लिए सेलेक्शन रूल्स फॉर डी डी ट्रांजिशन को और दूसरे क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के ऊपर तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब करने के लिए वेरियस फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को और यहाँ पर दूसरे पार्ट में आपसे डिफ्रेंशिएट करने को पूछा गया है थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की विद एग्जाम्पल चौथे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको पूछा गया है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और दूसरे पार्ट में आपको पूछा गया है एक्सप्लेन uh, करने के लिए बॉन्डिंग बिटवीन अ मेटल एंड सी ओ तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चैनल पर कर रहे हैं पहली बार विजिट तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिम्बायोसिस के बारे में जो कि रिलेटेड है एच एस ए बी कॉन्सेप्ट से जो कि हम वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो आप इस टॉपिक को कर ले मार्क दूसरे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपने मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पर डिटरमाइन करना है हेक्जा फ्लूरोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के जो कि रिलेटेड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बात करें चौथे क्वेश्चन की तो इसमें आपको पूछा गया है ड्रॉ करने के लिए ऑर्गल डायग्राम को फॉर डी टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम और पांचवे क्वेश्चन में आपने डिस्कस करना है एटीन इलेक्ट्रॉन रूल को विद एग्जाम्पल जो कि हम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर लें मार्क और यहाँ पर छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर इनफैक्ट छठवा छठवा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लें एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सातवें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है बायोलॉजिकल सिस्टम के एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स के ऊपर नोट लिखने के लिए और आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एस सी एन यानी कि थियोसाइनाइट आयन के ऊपर रिएक्शंस को आपको यहाँ पर विद रीज़न पूछा गया है तो इस टॉपिक को आप एकदम मार्क कर लें एस सी एन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और सेट के क्वेश्चन पेपर की तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट आर सिलिकॉन्स और साथ ही साथ आपको पूछा गया है स्ट्रेट चेन और क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं और यहाँ पर इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि है एच एस ए बी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और बात करें यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तो ये भी हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वीडियो में सीएफटी uh, और यहाँ पर वीबीटी को चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बायोलॉजिकल सिस्टम में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम इन एलिमेंट्स की इन uh, एलिमेंट्स का इनफैक्ट रोल आपको पूछा गया है बात करें यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट्स के बारे में जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एप्लीकेशंस थ्री मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंट डेटा की और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में जिसको कि आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट में तो आपने इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है बात करें यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन की तो यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन में आप यहाँ पर इनफैक्ट पाँचवा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जिसको हम ऑर्गल डायग्राम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं तो आप इन टॉपिक्स को एक बार जरूर देखें जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है हो रहा है छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ई ए एन कॉन्सेप्ट के बारे में विद एग्जांपल और सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रीफ नोट लिखने के लिए मेटल इथाइलेनिक कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आठवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन बाइंडिंग मैकेनिज्म को मेटलोपोर में तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन को आप मार्क कर लें एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मौसू हो जाया करें तो आप यहां पर बेल आइकन दबा सकते हैं सब्सक्राइब करने के साथ ही ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसू हो जाया करें तो यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एच प्रिंसिपल के बारे में जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में आपने यहाँ पर फॉलोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है और साथ ही साथ आपने यहाँ पर बताना है कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास अराइज़ हो सकता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे भी टैकल कर सकते हैं तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बिहाफ में स्टेरिक और चिलेट इफेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करना है दूसरे पार्ट में आपने डिस्कस करना है ट्रांस इफेक्ट को और इसके बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज को चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट रिलेटेड है ई ए एन रूल के ऊपर जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस आउट ना करें दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है मेटल कार्बोनिल्स में नेचर ऑफ बॉन्डिंग को डिस्कस करने के लिए शॉर्ट एंडसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है जो कि रिलेटेड है फॉस्फेजिन टॉपिक से तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर मार्क कर लें दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की और तीसरे क्वेश्चन में आपने दो मेथड यहाँ पर डिस्कस करने हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल के लिए तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सॉरी यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में तो आप इस क्वेश्चन को एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें और यहाँ पर इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप देख सकते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक like नहीं किया है तो वीडियो को कर दें लाइक like और कमेंट्स में बताएं अपना प्यारा सा यहाँ पर रिस्पांस। पांचवा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि है ऑर्गर डायग्राम के बेस पे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को टैकल जरूर करें छठवाँ क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर मार्क करें एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सातवें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर टेट्राकार्बोनिल निकल की ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए और आठवां क्वेश्चन आपका बेस्ड है एच एस ए बी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप आठवें क्वेश्चन को यहाँ पर बिल्कुल भी मिस आउट ना करें इनफैक्ट यहाँ पर सातवें क्वेश्चन को भी आपने यहाँ पर मिस आउट नहीं करना है चलिए यहाँ पर एक और सेट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा गया है और पूछा गया है कलर यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से वेराइटी ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप इन टॉपिक्स को भी बिल्कुल मिस आउट ना करें दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वीडियो में तो आप दूसरे क्वेश्चन पर भी यहाँ पर फोकस कर लें और इसको एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर लें तीसरे क्वेश्चन में आपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस करना है जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वीडियो में चौथे क्वेश्चन को डिस्कस इनफैक्ट यहाँ पर तीन ही क्वेश्चन थे यहाँ पर इस स्लाइड में तो शॉर्ट आंसर टाइप के पहले क्वेश्चन में आपने डिफ्रेंशिएट करना है थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और दूसरे क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन को तीसरे क्वेश्चन में आपको नोट लिखने के लिए पूछा गया है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की तो चौथे क्वेश्चन इनफैक्ट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर रिपीट हो चुका है जो कि है फॉस्फेजीन्स टॉपिक के ऊपर तो आप इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें और पाँचवा क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है जो कि है लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक के बेस पर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक क्योंकि हम आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं तो लाइक का बटन जोर से दबाएं और चैनल को कर दें सब्सक्राइब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय